यानी मेरे जिसम मेरी मर्जी वाले स्लोगन सपोर्ट करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट करता हूँ। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपका जिसम इसमें किसकी मर्जी है? मेरे अल्लाह की। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़की पर्दा नहीं कर रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि पर्दा करवाना उसके महरम का, उसके भाई का, उसके बाप का उस पर हक है, वो उसको कह सकता है, जुबान से टोक सकता है। जी आप मुझे बताएं किस तरह कह सकता है, मुझे एक एग्जाम्पल दें, कोई एक हदीस कोट कर दें, कोई एक कुरानी आयत कोट कर दें। आपने सूरह निसा पढ़ी है? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी है मैंने। हदीस पढ़ी है? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी है मैंने। फातिमा बिनते मोहम्मद एक रोल मॉडल है औरतों के लिए, क्या डिनाई कर सकते हैं उनको? बिल्कुल नहीं कर। फिर पीछे क्या रह जाता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सिस्टर जॉब करना चाहती हैं तो आप उन्हें करने की इजाजत देंगे? दूंगा। मेरी सिस्टर जॉब करती है और वो हिजाब में जॉब करती हैं, जाती हैं आती हैं, हम उनको इजाजत देते हैं। मेरी दो सिस्टर्स जॉब करती हैं। आप मेरी यही तो बात है। अब जिस तरह आपकी एक सोच है, आप कहते हैं कि मैं अपनी सिस्टर को जॉब की इजाजत देता हूँ लेकिन हिजाब के बगैर जॉब की इजाजत नहीं देता। भाई मैं हिजाब के बगैर भी इजाजत देता हूँ, एक हिजाब करती है एक हिजाब नहीं करती। मेरा जिस्म मेरी मर्जी ये वाले स्लोगन होने चाहिए इस मुआशरे में? बिल्कुल होने चाहिए। मेरा जिस्म मेरी मर्जी ही है, अल्लाह ताला ने मेरा हिस्से नहीं है दो। अल्लाह ने नहीं पैदा किया ये जिस्म हमारा, किसने पैदा किया? नेट से डाउनलोड हुए हम लोग।